नमस्कार, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर महीने पैसे तो बहुत कमाते हैं पर आप जितना सोचते हैं कि हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए उसका आधा भी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम के राज शेयर करने वाले हैं जो आपकी लाइफ की सारी फाइनेंशियल ट्रबल को खत्म करने वाली है। आपके पास इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह है, जैसे कि एक साइकिल, एक कार या फिर एक प्लेन जो आप लेते हैं, और इस बात पर यह निर्भर करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल गोल तय करेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग मार्केट ट्रेंड के अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हैं, न्यूज पे देखते हैं कि शेयर बाजार ऊपर है, इसीलिए वो सोचते हैं कि हमें भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, मगर वो ये समय अपने आप से ये सवाल पूछना भूल जाते हैं कि क्या उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए। एक एग्जांपल के साथ मैं इसे समझाता हूँ। सोचिए, मेरा एक दोस्त है जिसके पास 4 लाख रुपए है और जो उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने शादी में नेक्स्ट ईयर। अभी अगर वो ये पैसा शेयर मार्केट में लगाता है तो इसका मतलब होता है कि वो हेलीकॉप्टर में राइड ले रहा है और उसका डेस्टिनेशन घर के पास में नुक्कड़ वाली दुकान है। ये बहुत ही रोमांचक है, लेकिन ये जोखिम भरा भी है। मेरी उसे सलाह होगा कि ये टाइम डिपॉजिट कर, लो रिस्क फंड यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर। बैंक की सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो जोखिम ना उठाने के वजह से अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट पे रखते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाखों रुपए की सेविंग्स अकाउंट में बहुत प्राउड फील करते हैं मगर उन्हें इन्फ्लेशन का अंदाज भी नहीं है। वास्तव में इन्वेस्टमेंट नहीं करने के वजह से वो अपने पैसे के वैल्यू को खो रहे हैं। 2020 में भारत की इन्फ्लेशन रेट 4.5% की थी और हमारी बैंक की सेविंग्स अकाउंट 3 से 3.5% का इंटरेस्ट देती है। इसका मतलब है, अगर आप अपना पैसा साल भर के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखे हो और उसके बाद आप इसे निकाल रहे हो तो आपके पैसे का 1% वैल्यू आप ऑलरेडी खो चुके हो। इसे अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो सोचिए, आप 2020 में सेव खरीदने गए, 1 किलो सेव की प्राइस थी 100 रुपए, तो अगर 4.5% की इन्फ्लेशन रेट है तो 2021 में यही सेव आपको 104.50 रुपए में मिलेगी, और आपने वो 100 रुपए अगर सेविंग्स अकाउंट में रखा है और साल भर बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके साथ आपका वैल्यू हो रहा है 103.50 रुपए। मतलब आप जो सेव 2020 में खरीद सकते थे 2021 में आप उसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका पैसे का वैल्यू 1% कम हो चुका है। आप अगर इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही तरीका है, मॉडरेट या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा देना लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइमिंग करना बंद करें और लंबे अवधि के लिए पैसे को रखें। इन्वेस्टमेंट करना एक पर्सनल टास्क है, लोग अलग अलग कारणों से इन्वेस्ट करते हैं। मेरे फाइनेंशियल गोल आपके फाइनेंशियल गोल से बहुत अलग होगी, इसीलिए मैं जहां इन्वेस्ट करता हूं आप वहां पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके गोल के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, आपका रिस्क टॉलरेंस और आपकी इन्वेस्टमेंट पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। तो अगली बार कोई अगर आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है तो आप अपने आप से जरूर ये सवाल पूछे कि क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे फाइनेंशियल प्लान में कहीं फिट होता है। रेगुलर कैश फ्लो आपके इन्वेस्टमेंट का नींव है। यहाँ सैकड़ों इन्वेस्टमेंट आइडियाज है और लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं सिर्फ इनकी तुलना करने में कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है और किसमें इन्हें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। मेरी यही सलाह है कि आप ये काम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर छोड़ दें और आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि आप ज्यादा पैसा कमा सके और डिफरेंट सोर्स से अपने इनकम को बढ़ा सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स की तुलना करते हैं, जबकि इम्पोर्टेंट होता है ये देखना कि क्या आपकी पोर्टफोलियो की ग्रोथ हर साल बढ़ रही है। सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक कॉमन एडवाइस सबको देती है जो कि डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन क्या आपको इसका वास्तव मीनिंग पता है। ज्यादातर लोगों का समझना है कि अपने पैसे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में लगाना है, ये एक तरीके से सही भी है। इसके अलावा आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी एक मजबूत पोर्टफोलियो हो जिसकी ग्रोथ हर साल बढ़ती रहे। इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग से ज्यादा टाइम महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को टाइमिंग करना पसंद करते हैं, वे इसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कम में इसे खरीद सके
और हाई में उसे बेच सके। ये कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट हमेशा इस बात पे सहमत नहीं होते कि बाजार कब ऊपर जाएगी और बाजार कब नीचे आएगी, मगर उनमें से बहुत सारे लोग एक बात पे जरूर राजी होते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा समय तक अगर स्टॉक मार्केट में रखा गया आपके इन्वेस्टमेंट के लिए वो उतना बेहतर है। मैं अपना अधिकांश समय फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से ज्यादा पैसा कमाने पे कोशिश करूंगा और इस पैसे को मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में लगाना पसंद करूंगा जो कि बहुत ही कम स्ट्रेसफुल है। कभी भी ऐसे चीजों में इन्वेस्ट ना करें जिसकी आपको समझ ना हो। जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो उनमें से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है। उनमें से ज्यादातर लोग डर और लालच का फायदा उठा के उनके मेहनत के इन्वेस्टमेंट को अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्समैन है जो स्टैटिस्टिक्स और टेस्टिमोनियल्स के आधार पर प्रेजेंटेशन दिखा के आपके मेहनत के पैसे को बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अभी भी काम करती है। सभी इन्वेस्टमेंट में जोखिम होता है। अधिकांश लोग रिस्क अवॉइड करने के लिए गारंटीड वाले प्रोडक्ट चूज करते हैं जो अधिक समय स्कैम होता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क से बचने के लिए अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखें। जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है उन्हें पता है कि पार्टीज हमेशा नहीं होती है। सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा साधन है इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीपल इनकम सोर्स यानी कि आय की कई धाराएं, और अगर सबसे खराब स्थिति हो जो कि आपकी डेथ हो सकती है तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। वॉरेन बफे की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज भी सभी लोग फॉलो करना चाहते हैं, मगर क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे की जो पहले कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे वो अपने शुरुआत के कुछ सालों तक लूजर थे। बफेट ने 1973 साल में वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी के शेयर खरीदना शुरू किया और कुल मिलाकर $11 मिलियन खर्च कर दिए थे। 2007 के अंत में बफेट की वॉशिंगटन पोस्ट की हिस्सेदारी 10,000% से अधिक बढ़ गई थी। इसका मतलब है इसकी टोटल वैल्यूएशन $1.4 बिलियन में हो गई थी। बफेट की वॉशिंगटन पोस्ट निवेश एक सबसे बड़ी सफलता थी, लेकिन वहाँ हमें सबसे अच्छी बात सीखने को मिलती है कि वॉशिंगटन पोस्ट का स्टॉक बफेट के खरीदने के बाद 20% तक गिर चुका था और ये वो प्राइस में 3 सालों तक अटका हुआ था। आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना है आप उन्हीं की तरह सोचते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है जो आपसे बेहतर है। एक फेमस कहावत है कि हम उन 5 लोगों की औसत है जिनके साथ हम अधिक समय व्यतीत करते हैं। तो आप उन लोगों के साथ अपना ज्यादा समय व्यतीत करें जो आपको नई चीजें सिखाने और अपने करियर में आगे बढ़ने की संभावित रूप से मदद कर सकते हैं।